मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर थर्ड जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है वचन। क्या नेम है जिसका? वचन। जिसका नेम है वचन। ओके, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे वचन के बारे में। किसके बारे में? वचन के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वचन किसको कहते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं कि वचन किसे कहते हैं, वचन क्या होता है, वचन क्या होता है। तो हम सबसे पहले वचन की परिभाषा देखेंगे। वचन किसको कहते हैं? सामान्यतः वचन शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन अथवा दिए गए आश्वासन के अर्थ में किया जाता है। किसमें किया जाता है? किसमें किया जाता है वचन का प्रयोग? सामान्यतः वचन शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन अथवा दिए गए आश्वासन के अर्थ में किया जाता है। किंतु व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से किया जाता है। लेकिन व्याकरण में इसका अर्थ किससे किया जाता है? संज्ञा से। किससे? संज्ञा से। वह शब्द जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संज्ञा का बोध होता है। वह शब्द जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संज्ञा का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। किसको कहते हैं वचन? किसको कहते हैं? वह शब्द जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संज्ञा का बोध होता है। वह शब्द जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की किसका बोध होता है? संज्ञा का बोध होता है। उसको क्या कहते हैं? उसको वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वह शब्द जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संज्ञा का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अब हम देखते हैं वचन के प्रकार। क्या देखते हैं? वचन के प्रकार। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वचन के प्रकार कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? वचन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला प्रकार कौन सा है? एक वचन। पहला प्रकार कौन सा है? एक वचन। दूसरा प्रकार कौन सा है? बहुवचन। दूसरा कौन सा है? बहुवचन। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो वचन के कितने प्रकार होते हैं? वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम पढ़ते हैं एक वचन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? एक वचन के बारे में। एक वचन किसको कहते हैं? विकारी पद के जिस रूप में किसी एक संख्या का बोध होता है। किसका बोध होता है? विकारी पद के जिस रूप में किसी एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन किसको कहते हैं? विकारी पद के जिस रूप में किसी एक संख्या का बोध होता है उसको एक वचन कहते हैं। एक वचन क्या होता है? विकारी पद के जिस रूप में किसी एक संख्या का बोध होता है। कितनी संख्या का बोध होता है? एक संख्या का, उसे एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे भारत लड़का भारत लड़का, ये क्या है? ये एक वचन है। क्या है? एक वचन। मेरा, ये भी क्या है? ये भी एक वचन है। ओके,
तो एक वचन किसको कहते हैं? विकारी पद के जिस रूप में किसी एक संख्या का बोध होता है। किसका होता है? एक संख्या का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको एक वचन कहते हैं। अब हम देखते हैं बहुवचन के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? बहुवचन के बारे में देखते हैं। तो बहुवचन किसको कहते हैं? विकारी पद के जिस रूप से किसी की एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन किसको कहते हैं? विकारी पद के जिस रूप से किसी की एक से अधिक संख्या का बोध होता है। एक वचन में क्या होता है? एक वचन में एक संख्या का बोध होता है। कितनी संख्या का बोध होता है? एक संख्या का। और बहुवचन में एक से अधिक संख्या का बोध होता है। विकारी पद के जिस रूप से किसी की एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। एक वचन में किसका होता है? एक संख्या का। और बहुवचन में एक से अधिक संख्या का बोध होता है। जैसे जैसे लड़के लड़का क्या होता है? एक सिंगल लड़का। और लड़के मतलब बहुत सारे लड़के। लड़के लड़कियां ये भी क्या है? बहुवचन। गाय घोड़े आदि ये क्या है? बहुवचन। क्या है ये? बहुवचन। एक वचन में क्या होता है? एक संख्या का बोध होता है। और बहुवचन में एक से अधिक संख्या का बोध होता है। किसका होता है? एक से अधिक संख्या का बोध होता है। और एक वचन में एक संख्या का बोध होता है। ओके, तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा? वचन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? वचन के बारे में। वह शब्द जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है। वचन में विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिसमें एक संख्या का बोध होता है वो एक वचन, जिसमें एक से अधिक संख्या का बोध होता है वो बहुवचन। हिंदी में ये शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। लड़के लड़कियां गाय घोड़े ये किसमें प्रयुक्त होते हैं? बहुवचन में। जैसे आंसू भी किसमें होते हैं? बहुवचन में। होश किसमें होता है? बहुवचन में। दर्शन प्राण भाग्य आदरणीय व्यक्ति हेतु प्रयुक्त शब्द आप दाम समाचार बाल लोग हाल चाल ये किसमें होते हैं? बहुवचन में होते हैं। किसमें प्रयुक्त होते हैं? ये बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो समझ में आ गया एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। जिसमें एक संख्या का बोध हो वो एक वचन, जिसमें एक से अधिक संख्या का बोध हो वो बहुवचन। ओके, तो आज आपको क्या पढ़ना है? आज आपको वचन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? वचन के बारे में। वचन के बारे में आप वचन के बारे में अच्छे से पढ़ोगे, उसके दो प्रकारों के बारे में अच्छे से पढ़ोगे कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है, और इसको आप अच्छे से समझोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आज आपको क्या करना है? वचन के प्रकार के बारे में अच्छे से समझना है कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। ओके ओके, थैंक यू बच्चों।